न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सिलसिलेवार अभियान छेड़ा हुआ है। उसी के तहत मंडी जिला के अधिकतर उपमंडलों के कर्मचारियों के द्वारा एसडीएम्स के माध्यम से प्रदेश सरकार और भारत सरकार को ज्ञापन भेजे गए। मंडी जिला मुख्यालय में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में एसडीएम मंडी निवेदिता नेगी से मिला। इस दौरान उन्होंने एसडीएम मंडी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजे। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पुरानी पेंशन शीघ्र अतिशीघ्र बहाल करे। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर पुनः पुरानी पेंशन बहाल करने में सरकारों का रवैया इसी प्रकार रहा तो आने वाले समय में सरकारी कर्मचारी नेताओं के चुनावों क्षेत्रों में जाकर इसका प्रचार करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी कि अगर पुनः पुरानी पेंशन बहाल करने में सरकारों का रवैया इसी प्रकार का रहा तो आने वाले समय में कर्मचारी नेताओं को चुनाव में जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी यदि चाहे तो उन नेताओं को 1990 के दशक में जो हुआ था उसे दोहराने से भी वे परहेज नहीं करेंगे। इसके साथ ही कर्मचारी नेताओं ने जनप्रतिनिधियों को लगातार हो रही पेंशन वृद्धि पर भी चिंता जाहिर की। हम ग्राम पंचायत बिजनी वार्ड नंबर 4 ग्रैंडी से आए हैं। हमें यहाँ पर ग्राम जो हमारे गांव ग्रैंडी को नगर निगम में डाला जा रहा है उसका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगेंगे, गांव के लोग जो तो खेती बाड़ी और मनरेगा उसके ऊपर डिपेंड है। अगर नगर निगम में आते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस लग रहे हैं उसको उसका भुगतान वो कैसे कर पाएंगे, इसलिए हम इसका ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमारा गांव त्रेंडी जो है तो नगर निगम में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा बिजनी पंचायत उसमें आ जाती है तो हमारा गांव त्रेंडी वार्ड नंबर 4 इसको नसलो पंचायत में उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए। मेरा नाम संतोष कुमारी है और मैं गाँव त्रेंडी से हूँ, ग्राम पंचायत बिजनी।